सभी नमस्कार। जैसे कि मैंने कल अनबॉक्सिंग करी थी, फर्स्ट क्राई का एक पार्सल था, ऑफर प्राइस में मैंने कुछ रिपीट बुक्स ली थी। ये एक उसका सेकंड ऑर्डर उसी दिन किया हुआ है, सेकंड ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर करने के बाद मैंने सोचा एक और ऑर्डर कर देते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी बुक्स मैंने सेलेक्ट करी जो मेरे पास सिंगल कॉपी थी, तो मैंने कहा उसकी डबल कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बुक तो होगी नहीं जो मेरे पास ना हो। चलिए इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते कौन कौन सी बुक्स है इसके अंदर। वैसे भी जो टेबल का जो सेटअप देख करके आपको मे भी कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसमें कौन सी बुक्स हो सकती हैं। तो कल भी मैंने इसको काफ़ी रूडली कट कर दिया था, जैसे कि मैं जो जीके कार्ड वगैरह जो सेलर्स के मैं पार्सल्स कट करता हूँ, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये कि गत्ता है और इसमें टेप काफ़ी लगी हुई है। टेप से बेनिफिट ये होगा कि मेरे को थोड़ा सा मॉइस्चर में बुक्स ख़राब नहीं होंगी। इसमें कुछ बुक्स दिख रही हैं जो जिनमें पॉलीबैग है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा देखने में, क्योंकि बिना पॉलीबैग और बहुत ही पुअर पैकेजिंग का एग्जांपल हमको देखने को मिलता है फर्स्ट क्राई वगैरह में, क्योंकि वो एक तरीका हम के कॉमिक्स जो लवर्स हैं और जो अभी एक दो साल में जो इवोल्यूशन हुआ है सेलर्स वगैरह का, तो हम उसकी बुक्स की प्रोटेक्शन को काफ़ी हम सीरियसली लेते हैं मतलब। और बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो उसको उस तरीके से लेते हैं कि भाई जो है ये बुक्स है इनको सेंड करना, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे साथ जो इश्यूज़ होते हैं, जो स्टोरेज में इश्यूज़ होते हैं या बरसात वगैरह में मॉइस्चर का इशू होता है, वो एक थोड़े बहुत इश्यूज़ हमें आते हैं। तो ये अगर ऐसे निकल जाए तो इसको और ज़्यादा कट नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये कुछ बुक्स पॉलीबैग में दिख रही है, ये अगर सीधा खींचने से निकल जाएंगी तो ईजी हो जाएगा। अच्छा लगा इस तरीके की अगर पॉलीबैग में आए ना, कुछ सारी नहीं है, कुछ सात आठ बुक्स हैं, तो उससे बेनिफिट आपको क्या होता है कि बुक्स ख़राब कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होती। अगर मान लो पैकेजिंग लीक भी हो जाती है या कोई बारिश वगैरह भीग जाती है, तो इस कार्टून का कोई काम नहीं, इसको बाहर फेंक देते हैं। इस पॉली बैग का भी कोई काम नहीं है। जैसे ऐसे ही कि बाहर के पार्सल वगैरह आते तो टेबल ख़राब ना हो, कोई भी किसी भी तरीके की गंदगी ना लगे। अब देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सी बुक्स हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा, एक्चुअली सुपर कमांडर ध्रुव जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में एक है, नागराज ध्रुव, और श्री अनुपम सिन्हा जी जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, उनके बना हुआ इनिशियल कैरेक्टर 1987 से, और बहुत सारी इसकी बुक्स आई, मैं क्या करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं ध्रुव की बात करूं, तो जो उसकी प्रथम 25 कॉमिक्स थे, मतलब प्रथम बोलूंगा या मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो जो क्या बोल सकते हैं 32-32 पेज के आते थे, उसका एक ये ओमनीबस भी रखा हुआ, 3300 इसका प्राइस है जो मैंशन है। उसके अलावा एक शुरुआत की 5 कॉमिक्स का एक और ये कलेक्टर एडिशन है ध्रुवोदय, वो यहाँ पर रखा हुआ है शुरुआत की 5 का। तो पहली कॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सेवरल टाइम्स एंड इन सेवरल वेज वो रिपीट होती हैं। और उसके अलावा ये देखिए, ये कुछ इंग्लिश में कुछ शुरुआती कॉमिक्स के डाइजेस्ट हैं, बहुत ही इनिशियल हैं मेबलिटो में, काफ़ी सस्ते थे ये, पर मुझे काफ़ी महंगे मिले। ये देखिए जब ये प्रिंट हुए होंगे काफ़ी सस्ते थे। उसके अलावा खैर बहुत सारी चीज़ें मैं कंपेयर करता चलूँगा, तो इनको साइड में रखेंगे अभी फ़िलहाल। ये तो एक वेरियंट्स है कि ध्रुव के, ये इतने सारे वेरियंट आ चुके हैं, तो पब्लिशर्स ने इसी साल इतने सारे वेरिएंट निकाले इनके, तो कितना फेमस है कैरेक्टर आप समझ सकते हैं। पर अगर मैं पेपर बैग्स की बात करूँ, ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉमिक्स होता है, और उसी में जो है फिर मैं आपको दिखाता चलता हूँ कौन कौन सी कॉमिक्स, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। पहले तो ये कुछ देख लेते हैं, ये भेड़िया के कुछ कॉमिक्स हैं, दिग्गज माया का जादू और वही पुराना जल्लाद, इनको एक सेट में रखा गया था, उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया। दिग्गज और माया का अच्छा इसमें बिल होगा, चेक कर लेंगे। तो दिग्गज और माया का जादू काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है, बस अंदर का कवर उतना ठीक नहीं है, बाकी पेजेस ग्लोसी हैं। और उनकी प्राइस 130 वाला प्राइस है, शायद ये 120 में पहले आए थे, तो आई थिंक ये कोई रिप्रिंट्स होंगे, मैं चेक कर लूँगा। मेरे पास जो दिग्गज और माया का जादू है वो इसी में है क्या। अच्छा है, टू पार्ट की स्टोरी है, धीरज वर्मा जी गाटर को, और उस एक टाइम पर क्या होता था राज कॉमिक्स में पार्ट्स वाले में बड़ा चक्कर आता था, कभी भी पूरी स्टोरी मिल ही नहीं पाती थी। अभी अच्छा है कि पूरी स्टोरी मिल जाती है। ये वही पुराना जल्लाद, ये क्या है, कैसे सेट बनाया इन्होंने, इसमें लिखा हुआ जाने के लिए बड़े मौत क्षेत्र, तो फिर सेट ऐसा बनाओ ना इसमें वो मौत क्षेत्र हो। फिर फर्स्ट क्राई पे मैंने कहा ना ऑफर वगैरह थे, तो जो भी है मतलब जो सेट इन्होंने पता नहीं क्यों इन तीन का बनाया, और जैसे कि हम सेट ही दे सकते, तो मैंने सेट लिया। और होगा मतलब ये कॉमिक्स में रिपीट में होंगी, बट ये फिर एक एक्स्ट्रा आ गई ना, देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं, इसको साइड में देते हैं। इनका फिलहाल इतना इसी चर्चा नहीं करी जाएगी, सिर्फ ध्रुव की बात करी जाएगी। तो अच्छा ऑफर था, मैंने आपको कल भी सेम चीज़ एक्सप्लेन करी थी। मैं बिल देख लेता हूँ थोड़ा सा, भेड़िया के 3 कॉमिक्स सेट है, बाकी ध्रुव का है, तो इसकी ज़्यादा 25 कॉमिक्स निकलेंगी, चेक कर लेते हैं इनको। तो ऑफ़र काफ़ी अच्छे थे, और मैंने आपको बताया था कल भी कि मैं काफ़ी समय तक मिस करता रहा, और काफ़ी समय तक ऑफर आते भी रहे, फ्रेंड्स मेरे बताते भी रहे, फिर मैंने कहा क्या करें,
फाइनली मैंने कहा कि कुछ रिपीट लें, आप क्या रिपीट लें। ध्रुव की मैं बात करूँ तो मेरे पास संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स भी हैं, मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग्स भी हैं, सारे के सारे कलेक्टेड एडिशंस मैंने आपको दिखाए हैं, डाइजेस्ट हैं बहुत सारे मेरे पास में। बट अगर एज मैं सिर्फ ध्रुव के पेपर बैग्स की मैं बात करूँ, इन कलेक्टेड एडिशंस को मुझे हटाना होगा, मैंने कंपेयर के लिए रखा था लेकिन इससे प्रॉपर वीडियो बन नहीं पाएगा। तो और अगर मैं सिर्फ मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट्स की बात करूँ तो मेरे पास वो डबल कॉपी में नहीं है, मतलब सिंगल कॉपी में तो डिफरेंटली है। तो हम इनको देख लेते हैं और एक तो चेक भी हो जाएगा, प्लस इसको रिवीज करने में अच्छा लगेगा। बाकी तो ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आई थिंक इन बुक्स के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ तो मुझे ना इसके नाम भी पढ़ने में आसानी होगी। तो यह है चैम्पियन किलर, 100 रुपये इसमें मूल्य मेंशन है। आई थिंक ये रिप्रिंट हुई होंगे, ऐसा हुआ, बहुत बार रिप्रिंट हुई, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब ये रिप्रिंट्स हमारे सामने आए थे तो ये जो है आपको क्या बोल सकते हैं कि 60 रुपये से शुरुआत करी थी मनोज गुप्ता जी ने। अभी भी मेरे को आश्चर्य होता है, अगर आप, मैं फिर वही बात करूँगा, आप सोचोगे सर रिपीट बात करते हैं, कि जो है सुपर कॉमन ड्रू की प्रथम 5 कॉमिक्स से शुरुआत करी थी मनोज गुप्ता जी ने अपने रिप्रिंट्स की सन 2021 में। और ये जो कॉमिक्स थी इनिशियली जो है बहुत सस्ती आती थी, मैंने जब इनको देखा था तो 7-8 रुपये की आती थी, 8 रुपये की मान लो, 16 रुपये की विषय आता था। और ये ब्लैक में बिकती थी, मिलती और नहीं थी कि ध्रुव इतना फेमस कैरेक्टर पहली कॉमिक्स, और उसके बाद भी इन्होंने 60 रुपये की एक MRP के साथ दिया, प्लस एक एक स्टिकर दिए थे इन 5 के साथ में, और उस पर भी आपको ऑफर्स मिल जाते थे। मतलब 60 रुपये में कोई सेलर आपको 10% देता था, हेलो बुक माइन वगैरह 15% भी देते थे। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इतना अच्छा उन्होंने उनको परफॉर्म करके दिया है। अभी मैंने जो डायमंड कॉमिक्स राका वाला है, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग चीज़ मेरे को देखने को मिली सामने। तो खैर ये इतनी बार प्रिंट हुई, इसकी कोई सीमा नहीं है। 60 रुपये का वेरिएंट मेरे पास में है, 70 वाला वेरिएंट मेरे पास में है, शायद 80 वाले भी होंगे, देखना पड़ेगा। तो बार बार रिपीट हुए, फाइनली हमारे पास में 100 रुपये वाली रिप्रिंट आता है। आई एम सॉरी, ये 80 वाला रिप्रिंट है, नॉट 100 रुपये वाला। मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे 80 वाला रिप्रिंट था नहीं। तो शुरुआत में बिल्कुल मैट फिनिश में आई थी, ये कंप्लीट ग्लोसी है, तो आप इसको एज वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। शुरुआत में जब संजय जी और मनोज जी अपने कॉमिक्स लाते थे, कई बार अगर वो रिपीट भी होते थे तो उनमें ग्लोस वगैरह फ़र्क होता था। तो इन्होंने क्या करा, अपने सेट देखो, इस पर ब्लैक मार्क सा लगा हुआ, तो मे बी ये मैट वेट जैसी लग रही, तो 60 वाली होगी। होता क्या था कि सिलेक्टिवली कॉमिक्स बहुत ज़्यादा, ये कॉमिक्स बहुत डिमांड में होती थी, तो लोग इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते थे, बहुत ज़्यादा इसको परचेज कर लेते थे, तो बाकी कॉमिक्स रह जाती थी। तो ये ब्लैक से हो रखे हैं, तो मे बी ये 60 वाली होंगी मैट फिनिश में है, तो ग्लोस में तो 70-80 वाली होंगी। मैंने एक 100 वाली भी देखी थी अभी जस्ट, इस पर भी ब्लैक से लगा हुआ है मैट फिनिश अच्छा है। एक्चुअली 60 फिर प्रॉब्लम होती है, यहाँ देखो 100 रुपये प्रिंट है। हुआ क्या था मैं बताता हूँ, अच्छा उसमें भी होगा प्रिंट, मैंने देखा नहीं। और ये एक क्लियरली रिप्रिंट है 100 रुपये वाला। हुआ क्या होगा कि इनके पास रैंडमली कॉमिक्स बिक गई होंगी, जब बच जाती है कॉमिक्स तो फिर कैसे उसको प्रिंट करें, तो कुछ 100 कर दिए है ना, मतलब फाइनली अब वो ये मान के चल रहे हैं कि हम 32 पेज की 100 में निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर उन पर इन्होंने अच्छे डिस्काउंट दे दिए, वो है भी, क्योंकि अगर MRP 60 रखोगे प्लस स्टिकर्स हैं तो 10-15% डिस्काउंट भी काफ़ी रहेगा, और अगर MRP 100 कर दोगे तो फिर थोड़े बड़े डिस्काउंट 30-20% वो चलते हैं। तो खैर अब इन्होंने फिलहाल मन बना लिया कि 32 पेज की 100 रुपये की जो प्राइस संजय गुप्ता जी का भी है, सेम प्राइस आ गया, पर ठीक है, अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट्स हैं और मेरे को काफ़ी सस्ते मिले, इसलिए ये एक्चुअली सेम पब्लिकेशन की डबल कॉपी है ये। तो जहाँ पे ब्लैक हुआ होगा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 100 रुपये लिखा होगा, मतलब फाइनली ये 100 रुपये वाली है। तो ये 5 बिल्कुल सिक्वेंस में है, मैं उसमें देख पा रहा हूँ शुरू की 5 कॉपीज, इनको साइड में रख देता हूँ। उसके बाद ये शायद कुछ रैंडम निकलेंगी, ये कौन सी है, विनाश के वृक्ष, तो ये तो 4th सेट बन जाता है अगर मैं यहाँ पर इसको रखूँ। ध्रुव देखो, देखो इसमें जो डिटेलिंग दी हुई है ऐसे दिखा देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो विनाश के वृक्ष ये 4th वाला सेट निकलता है, विनाश के वृक्ष 100 रुपये साफ साफ मेंशन है। तो बाद वाली कॉमिक सारी ख़त्म क्यों हो गई, ये सुपर ग्लोस में है, बहुत बढ़िया है। चलो एक अलग वेरियंट मिल जाता है, मतलब अगर वेरियंट के शौकीन हो, मतलब वरना तो कॉमिक्स तो एक ही रहती है, विनाश के वृक्ष। उसके बाद कौन सी है, अच्छा ये ऐसे ही मिलेगा, चैम्पियन किलर और आखिरी दाव। तो चैम्पियन किलर पहले निकली थी 100 रुपये वाली, और आखिरी दाव शायद ये भी 100 वाली होगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले ये 60 के बाद जो रिप्रिंट निकाले थे मनोज जी ने, वो 70 के हिसाब से निकाले थे, और उसमें सेट डिटेल्स गड़बड़ हो गई थी इन दोनों कॉमिक्स में, आया चुंबा और चुंबा सम्राट की आ गई थी, लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। तो 70-70 के रिप्रिंट में ये दोनों 60 की दी थी उन्होंने, सोचो पूरा 10 कॉमिक्स का सेट था, बाकी सब 70-70 के 60 की, इतनी अच्छी बात थी। अब सोचो कि आई है तो भी ठीक है, मतलब वो विद नोवल्टीज थी और सुपर ग्लोस में है, बहुत अच्छी बात। ये दोनों सुपर ग्लोस में, चैम्पियन किलर आखिरी दाव। तो इसमें कौन सी बची है,
वीडियो विलेन और पागल कातिल की टोली बसती है इस सेट में। इनको सीक्वेंस बाद में अरेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। रूहों का सिकंजा ये सेकंड वाले सेट में थर्ड कॉमिक्स है सुपर ग्लोस में, 80 रुपये ऐसे चिपका हुआ है। वही होगा चक्कर, कुछ 70 वाला स्टॉक होगा, कुछ 60 वाला स्टॉक होगा, कुछ होगा। तो इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि जो इनको सेट किसी भी वेबसाइट पे अगर आप सेट बताते हो कि इतने का सेट है फिर इसमें इतना ऑफर है, तो MRP पे लेके लोग इसको, हम तो समझ जाते हैं कि चलो ठीक है पहले से 8 की थी अब 100 की हो गई, लेकिन फिर वो कुछ लोग उसको उस तरीके से। और है ना एक बात और, कॉमिक्स वर्ल्ड में क्या जो भी सेलर्स से पब्लिशर्स हैं, सेलर्स तो इतना नहीं, पब्लिशर्स ना अपनी मनमर्जी करते हैं। एक बार आपने प्री ऑर्डर दे दिया तो कुछ आप, मैं आपको बताऊंगा नहीं पूरी स्टोरी, पर कुछ भी हो रहा है आज की दुनिया में। जैसे राका वाला जो सेट था वो हार्ड बाउंड उन्होंने शो करा था, और इवन ऑफिशियल जो सेलर थे उमा कार्टून ने साफ साफ लिखा था कि 15% साथ में हार्ड बाउंड अवेलेबल है। मन मर्जी से उसको स्टेपल बाइंड करके शो डाउन कर दिया गया। खुद मनोज गुप्ता जी भी नोवल्टीज कुछ और अनाउंस करके कुछ और दे दिया करते थे। मनीष गुप्ता जी ने भी काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं अपने कॉमिक्स में, मन मर्जी से कभी गोल्ड ग्लिटरिंग खत्म हो गई, कभी कुछ हो गया ऐसा। लेकिन जो है अमेजन फर्स्ट क्राई वगैरह इन पर नहीं चलता है, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, तो इनको इस उस चक्कर में करना पड़ा होगा कि या तो स्टॉक में एजिटिज वही प्रिंट रखो, ये देखो 100 रुपये, तो मे बी ये कॉमिक्स खत्म हो गई फिर से रिप्रिंट करी होगी। तो ये पुराना स्टॉक नया स्टॉक मिला करके पूरा एक सेट बना दिया, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि ये चीज़ रह जाएगी फिर ओवर टाइम के बाद आपको याद आता है कि आप इस पूरा सेट है, सेट ही बेस्ट रहता है महामानव। सेकेंड सेट पूरा होने जा रहा है शायद, दिखता है समुद्र का शैतान, बर्फ़ की चिता, फिर है ये रूहों का शिकंजा। ये ऐसा सेकेंड सेट पूरा होगा, अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ। टोटल 25 निकलेंगे ये। वुडू ये तो शुरुआती कुछ कॉमिक्स हैं, वुडू मुझे मोह चाहिए भाई, थर्ड सेट है ये भी 100 रुपये वाली। तो ज़्यादातर कॉमिक्स इसमें सुपर क्लोज में है, और 100-100 रुपये के हिसाब से मुझे मौत चाहिए ये वुडू के नेक्स्ट कॉमिक्स है। ये थोड़े से हार्ड कवर है इसके अंदर से, और 80 रुपये वाला इसका प्राइस है, मुझे मौत चाहिए का। और वुडू में अच्छा इस समझ में आ गई बात, रीज़न क्या होता है देखो, ये कॉमिक्स और इसके डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे 2020 में, तो डेफिनेटली ये कम बिकी होंगी, ये ज़्यादा बिकी होंगी, तो जो ज़्यादा बिकी वो अच्छे में प्रिंट हो गई। बहरी मौत उसका नेक्स्ट पार्ट, ये अच्छा वाला कवर है, यानी 100 रुपये वाला होगा। देखा ना 100 रुपये वाला है ना, तो एक डबल स्प्रिंट दे रहे हैं वैसे ये 100 रुपये में। उड़ंत अस्तरी के बंधक, फिर एक दिन की मौत, उड़ंत अस्तरी के बंधक अच्छी है, मतलब एक्चुअली जो इन्होंने सेल में दिया ना वो स्टॉक बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा नहीं कचरा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और एक दिन की अच्छा स्टॉक दिया इन्होंने 100-100 रुपये के हिसाब से, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इनके स्टॉक में ना एक थोड़ी सी प्राइस में वेरिएशन मिल रही थी, तो ये तो बिल्कुल सेट हो गया। वुडू मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत, ये तो सेट हो गया, ये सेट नंबर 3-5 कॉमिक्स का पूरा हो गया, और 5 कॉमिक्स का सेट नंबर 1 भी पूरा हो गया था, और बाकी में दिक्कत थी, उसको पूरा कर लेते हैं। अब ये कौन सा है, समुद्र का शैतान, ये कौन सी में भाई, हाँ समुद्र का शैतान और बर्फ की चिता होगी शायद, तो ये सेट नंबर 2 मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये जो है वो 80 रुपये वाला रिप्रिंट है, एक 80 रुपये प्रिंटेड है, तो ये जो प्रिंटेड नहीं होगा और हार्ड बाउंड है और अंदर ग्लोस है, आई थिंक ये 70 वाला प्रिंट होगा, इसलिए इस पर 80 का स्टिकर लगाना पड़ा होगा, ये एक्चुअल में 80 वाला है। तो जब 80 वाली बात आई थी तो सुपर ग्लोस देखो इसमें बेस है, इसमें बिछा नहीं कवर, अंदर कवर इतना बढ़िया नहीं, मेरे कोई बात नहीं ठीक है। तो समुद्र का शैतान, बर्फ़ की चिता, और उसके बाद ये 3 थी, रोह का शिकंजा, लोहों के पैसे और सुपर कॉन्डर, यानी कि ये सेट नंबर 2 के 5 कॉमिक्स कम्प्लीट हुए यहाँ पर। और सेट नंबर 2 वाला कौन सा सेट था, सेट नंबर 3 के भी 5 कॉमिक्स, वुडू मुझे मौत चाहिए, और ये सेट नंबर 3 के भी 5 कंप्लीट हुए। सेट नंबर 1 के तो खैर मुझे याद ही हैं, स्वर्ग की दवाई आदम करो का स्वर्ग प्रतिशोधी जरूर होते, और ये मतलब कि 15 कॉमिक्स का जो है वृक्ष, सॉरी वृक्ष सेट, विनाशी वृक्ष पढ़ रहा था उधर, 15 ये सेट हो गई पूरी कंप्लीट। और उसके बाद जो फोर्थ सेट है उसमें 3 कॉमिक्स इसमें हैं, विनाश के वृक्ष, चैंपियन क्लियर और आखिरी दाव, तीनों 100-100 के हिसाब से बढ़िया वाली क्वालिटी वाली प्रिंट है। अब जो इस पॉली बैग में निकलने वाला है, तो आई थिंक इन्होंने जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 बनाए होंगे सेल करने के लिए, तो ये आई थिंक सेट 3 होगा। और ये चीज़ हमें से एक्सपेक्ट करिए, मनोज गुप्ता जी में कम मिलती पर अच्छी चीज़ है, और तरीका भी ठीक है, ऐसी पॉली बैग हों तो आप सीरीज वगैरह के सेट बना के रख लो, तो कोई पानी वानी बरसात कहीं पर ख़राब ना होकर, अच्छी बात है ये, अच्छा एहसास हुआ। ऐसे ऐसे निकलते ना कॉमिक्स और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कोई बात बस। तो अभी लास्ट वाला सेट बचता है, इसमें आई थिंक 7 कॉमिक्स होंगी, और मेरा सुपर कॉन्डर का पेपर बैग का एक सेट जो मनोज गुप्ता जी तरफ से एक कंप्लीट सेट हो जाएगा,
डेफिनेटली विद वेरिएशंस जो मेरा पहला वाला सेट होगा उससे। तो देखते हैं ये कौन सा है, ये कौन सा, रोबो का प्रतिशोध, ये लास्ट वाला सेट है। सुपर क्लोज तो है लेकिन अच्छे वाले कवर नहीं है, तो ये 70 वाला रिप्रिंट है, मैंने कहा ना 70 वाला रिप्रिंट है, कोई बात नहीं। तो ये है पागल कातिलों की टोली, फोर्थ सेट का फिफ्थ कॉमिक्स, ये है 1570 रुपये वाला रिप्रिंट है। तो इसमें भी अंदर वही प्रॉब्लम, अंदर क्या थोड़ा ये रफ कवर्स थे, वीडियो में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये तो बढ़िया क्वालिटी का रिप्रिंट है, ये 70 वाला रिप्रिंट है लेकिन अच्छी क्वालिटी है, नहीं अच्छी क्वालिटी के अंदर लेकर रफ है। वीडियो विलेन ये कौन सा भाई, वीडियो विलेन और पागल कातिलों की टोली को अगर मैं उठाऊँ यहाँ से, दो कॉमिक्स ये उठाई और ये तीन पहले वाले से जो बच गई थी। अब ये जो 5 नंबर सेट, मतलब हालांकि इन्होंने 3 सेट बनाए बेचने के लिए लेकिन मैं 5-5 सेट पकड़ कर चल रहा हूँ। तो विनाश शिरोक्ष, चैम्पियन किलर, आखिरी दाव, ये लो भाई 20 कॉमिक्स, ये कंप्लीट हो गई। अब लास्ट की 5 बचती है, अब पूरी 25 हो जाएगी। हाँ थक गए इसको करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। चंडकाल की वापसी सबसे लास्ट कॉमिक्स है, उसके अलावा चंडकाल की वापसी के बाद कौन सी है, ये ब्लैक कैट सबसे पहली कॉमिक्स है इनमें, मतलब कि 21वीं कॉमिक्स है, चिपका हुआ है कुछ, ये 70 वाले प्रिंट शुरू में चिपकने वाले काफ़ी इशू होते थे इनके साथ में, तो वही इशू को पकड़े हुए शायद, इसीलिए इस पर पॉलीबैग लगाया होगा। दलदल, रोगों का प्रतिशोध, कहाँ गई, इस तरीके से ये है, थैंक गॉड ये एकदम बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही है, पूरी सेट है, टाइम बहुत कम था, अच्छा हुआ कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो अब इसको ऐसे पकड़ते हैं, देखो लास्ट की अभी 5 बचती है, यानी कि पूरा 25 का सेट अच्छे से आ गया है। ब्लैक कैट रफ कवर वाली, 70 वाले प्रिंट है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रोबो का प्रतिशोध, सुपर ग्लोस पेपर है पर कवर थोड़े रफ हैं, विद ओरिजिनल सेट डिटेल मैं रिपीट कर देता हूँ, सारी की सारी कॉमिक्स जैसी आई थी वैसी हैं, और पहले इनकी अनबॉक्सिंग आपको मिली होगी और बहुत पहले मिली होगी। ये कौन सी दलदल, 70 वाला रिप्रिंट है, रफ कवर वाला है, सुपर ग्लोस है। उड़ती मौत, यहाँ पे आते थे आपको मैंने मेरा ध्रुव जैसी जैसी चित्रकारी देखने को मिलेगी, बस विनोद जी किंग नहीं है, बस वैसे लगभग वैसे आ गई। और चंडकाल की वापसी, ये लास्ट कॉमिक्स था 32 पेज वाला, तो इसका कलेक्टर एडिशन आया 3300 रुपये का, पेपर बैक अगर 100 से सीधा करो तो 2500 जाते हैं, आप 100 कम ज़्यादा कर सकते हैं, 70, 80 और 100 है ना, आपको 90 की कोई कॉमिक्स देखने को नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से इन्होंने प्राइसिंग रखी है अपनी, जो भी इन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो 100-100 के हिसाब से देखें, हालांकि 100-100 के हिसाब से नहीं लगाया होगा, फिर भी अपन कर ले तो 2500 है, और कलेक्टेड तो डेफिनेटली कलेक्टेड एडिशन इज़ वैल्यू फॉर मनी। और खैर विनाश के वृक्ष वाला सेट कर दिया, अब आई थिंक ये 25 जो कॉमिक्स हैं, खैर ये एक हाइब्रिड टाइप ऑफ सेट रहा, और सबकी प्राइस जो है 70-80 70-80 100 कुछ की मेंशन रही, जिनकी 100 मेंशन रही, शुरुआत के सेट शायद ख़त्म हो गए होंगे, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में देखने को मिली, और फिर भी ठीक है, इट्स गुड कि आपको पूरा सेट, क्योंकि नागराज का तो शायद मैंने देखा नहीं और मैं अवेयर भी नहीं था, मैंने तो लास्ट के प्रोडक्ट उठाए जो बहुत ही मतलब सबको अवेयर होकर सबने ले लिए थे, उसके बाद जो बचता है वो ना, ऐसे ही मन किया था मैंने कहा लेना है तो फिर पूरा सेट ही लो, और मिल रहा था तो ले लिया। तो ये है भाई सुपर कमांड ध्रुव के पेपर बैग्स का पूरा सेट, ये पेपर बैग्स होती हैं, ये पहले कॉमिक्स थी 1987 में आई थी जब मेरा बर्थ हुआ था, मतलब मेरा बर्थ ईयर भी 1987 है, तब से ये कॉमिक्स आ रही हैं। ये 80 वाला रिप्रिंट है सुपर क्लोज वाला, इसके बहुत सारे प्रिंट मेरे पास अवेलेबल हैं, और इसको ये भी अच्छी क्वालिटी कॉमिक्स आई है, बस एक ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वही पुराना जल्लाद का मौत क्षेत्र कौन सा वाला है सेट में, उसको ऑर्डर करना पड़ेगा बाद में, और देख लेंगे, ये थोड़ा गलत सेट बनाया इन्होंने। अब मैं आपको इसे भी ये बता रहा था कि इसके ना जो डाइजेस्ट और आते हैं, आपको मैं ऐसे ही दिखा दूँ, जो ये 25 कॉमिक्स थी इन्हीं को अलग अलग सेट में बाइंड करके, देखो ऐसे ऐसे जो है 7-8 डाइजेस्ट थे, और ये जो फॉर्मेट था डाइजेस्ट बनाने का वो इन्होंने पुरानी वाली राजकॉमिक्स रखा था। एक्चुअली अभी इस हिसाब जो नया फॉर्मेट है ये वाला जो खुद मनोज गुप्ता जी ने हमको दिया है, उसके हिसाब से 5-5 सेट होने चाहिए थे, पर मेरे को अच्छा लगा। रीज़न क्या होता है कि उन्होंने ओल्ड उसकी फील बनाए रखी और पुराने डाइजेस्ट किसी वास्ते थे कम ज़्यादा, तो उनको बैलेंस किया। तो डाइजेस्ट में ये होता है कि प्राइस थोड़ी कम होती है, जैसे इसमें 120 प्राइस है, हालांकि 60 के हिसाब से 120 ही होती है, पर अभी हम देख रहे हैं 70-100 तक पहुँच चुकी, तो उस हिसाब से ये प्राइस कम रहती है। नुकसान ये होता है कि इसके अंदर सभी कॉमिक्स का कवर शामिल नहीं होते हैं, सीधी कॉमिक्स बाइंड होती है। दो में तो क्या है कि पहली का कवर ऐसे मिल गया, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉमिक्स शामिल होते हैं, 3-4-5 भी होते हैं, कोई ऐसा डाइजेस्ट उठाता हूँ जिसमें ज़्यादा कॉमिक्स हों। हालांकि सुपर कॉन थ्रू 8 देख लेते हैं, तो 8 के अंदर आपको बहुत सारे कॉमिक्स मिल जाते हैं देख लीजिए इसे, तो इसमें कवर किसी की भी नहीं है बट सुपर ग्लोस में है, और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग है। तो
लोग इसको प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि सस्ते पड़ जाते हैं पेपर बैग से। जैसे ये पेपर बैग से प्रॉपर कॉमिक्स है, इसमें फ्रंट कवर है, जिसमें बैक कवर है, जिसमें आपके ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, और एक आपको फील आती है जब उस शुरू में कॉमिक्स आई थी, और बेटर देन ओरिजिनल ये लगती है कि सुपर ग्लॉसी पेपर वगैरह बढ़िया क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। इनमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है तो लोग इनको प्रेफर करते हैं, लेते भी हैं, और जय भाई को बहुत पसंद है ये वाले। सो संजय गुप्ता जी, जैसे ही ये डाइजेस्ट का फॉर्मेट पसंद किया गया, मैंने आपको पहले भी रिपीट करा है, मनीष गुप्ता जी जो तीसरे ब्रदर हैं इनके, सबसे बड़े भाई हैं संजय गुप्ता जी, उनके पब्लिकेशन में ऐसे बैनर में ऐसे लोगों में आई है कॉमिक्स, ये सेम कॉमिक्स। फिर है छोटे भाई मनोज गुप्ता जी राज कॉमिक्स, जो उन्होंने थर्ड है मनीष गुप्ता जी, तो वो भी लाए हैं इसको बड़े साइज में वगैरह में। तो उन्होंने एक एक फॉर्मेट निकाला था पहले, तो वो भूल गए उस चीज़ को कि भाई ऐसे डाइजेस्ट लो और बहुत 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 आप सस्ते ले लो, बिग साइज में ले लो, अलग अलग टाइप के। तो उसको जब लोगों ने पसंद करा तो संजय गुप्ता जी भी डाइजेस्ट लाए, बट उनके डाइजेस्ट बहुत महंगे होते हैं। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनोज गुप्ता जी ने पाँच पाँच के सेट के हिसाब से एक इतना बढ़िया हमको मैं दिखा देता हूँ ओमनीबस दिया था, निकालूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ऐसे। ओमनीबस पाँच पाँच का सेट बना करके अच्छे जैकेट कवर वगैरह बना के दिया था हमको, 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा ये सेट, ये जो उनका तरीका था, ये जो फॉर्मेट था, उनको उन्होंने छोड़ करके जब मनोज जी ने रिप्रिंट करा तो ये पुराने वाले फॉर्मेट को फॉलो करा, तो संजय गुप्ता ने सेम इस फॉर्मेट में पाँच डाइजेस्ट आपको निकाल करके दे दिए, सेम इसी फॉर्मेट में देखिए पाँच पाँच कॉमिक्स के। पर उनके थोड़े से जो कवर काफ़ी शानदार थे, नए बनवाए थे अनुपम जी से, नए नहीं बनवाए थे, आई एम सॉरी, उनके ही बनाए हुए कुछ 2004 के पोस्टर्स थे, उनको रीयूज़ किया था, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रखी थी। देखिए 600 रुपये का एक डाइजेस्ट, पाँच पाँच छः इसमें वो भूल गया गिनती, 600 रुपये, 5 6 30, 3,000 रुपये के तो ये डाइजेस्ट ही होते हैं, और 3,000 300 का ये ओमनीबस है विद नोवल्टीज और विद इतना सारा कंटेंट वगैरह, मैं क्या बताऊँ इसमें। मेरी फोटो भी आई हुई, इसलिए मैंने 2 कॉपी में रखा हुआ है। तो क्या ठीक है, ये डाइज सबसे महंगे वाले हैं, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसको अवॉइड भी करा था, और मैंने इसको लिया है एक गलती की वजह से, किसी सेल वगैरह में कुछ ऑफर था, और मुझे पता लगा कि संजय गुप्ता जी बिग साइज में कुछ बुक्स निकाल रहे हैं, तो उसको जो है कंसिडर करते हुए मैंने ये समझ के ऑर्डर कर दिया था। संजय जी ने क्या करा, साइमल्टेनियसली ऐसे बिग साइज के डाइजेस्ट निकाले थे, देखिए सेम वही बुक्स हैं, थोड़ी सी आपको साइज बिग भी ऐसा साइज की सेम प्रपोर्शन में नहीं, जो जो संजय गुप्ता जी का एक तरीका है, उनका जो स्टाइल है, जो उनका जो बिग साइज है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, इसमें स्पोर्ट यू का यूज़ करके श्री अनुपम सिन्हा जी से नए कवर बनवा करके, वो कवर भी नए मान सकते हो लेकिन वो पहले के बनाए हुए, ये बिल्कुल न्यू बनवा करके वो निकाला उन्होंने, और थोड़ा सा रीअरेंज करा, और बिल्कुल वही पुराना फॉर्मेट, पांच कॉमिक्स ऐड कर दी पीछे, उनके कुछ कवर ऐड कर दिए, ये सिर्फ अनुभव जो संजय जी के में डायरेक्ट में देखने को मिला, कलेक्टर एडिशन तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, मनोज जी के डायरेक्ट में नहीं मिलता, लेकिन मनोज जी का डायरेक्ट बहुत सस्ता था, ये आए 600 रुपये के बिग साइज़ में, और ये भी 600 रुपये का। तो मैं जब सेल लेवल लगी तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, सेम पब्लिकेशन सेम कॉमिक्स, साइज डिफरेंस, साइज कौन सा बड़ा, ये नई आर्ट किस में बनवाई, इसमें इसका मूल्य कितना 600 रुपये, इसका मूल्य कितना 600 रुपये, तो आप आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। उसमें लिखा था सुपर कमांडर ध्रुव के डाइजेस्ट एक ही रिलीज था सिंगल हिंदी में, और पूरा सेट अवेलेबल था, तो मैंने कहा था हो सकता है पूरे सेट में कोई डिस्काउंट हो, शायद 10-1% का डिस्काउंट था उस समय, मैंने उसको तुरंत हड़बड़ी में परचेज कर लिया। फिर जब वो आए तो पता लगा कि यार वो सिंगल, क्योंकि इन्होंने क्या प्राइस सेम रख दिया, मैंने छोटे साइज के प्राइस अपन ऐसे मान लेते थोड़ा कम होता, या जो नए साइज कॉमिक्स होते हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है, एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को पैसा दिया होता, तो इस लिहाज से दिमाग चलता ही नहीं, तो सेम प्राइस है, काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन बाद में अच्छा लगा क्योंकि इनके कवर थोड़े यूनिक थे ऐसे, ये जो 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 सिल्वर सिल्वर सी लाइनिंग है और ये पीछे ऐसा, तो ठीक है, मतलब काफ़ी कॉस्टली तो पड़े इसमें डाउट नहीं है। तो 3,300 की ये वाला डाइजेस्ट, 3,300 की ये वाला डाइजेस्ट, फिर ऐसे इंग्लिश में और हैं, ये तो कहीं पर रखा हुआ है। आप अगर बिल्कुल न्यू है तो मैं समझाता हूँ, जो मैंने आपको अभी 25 कॉपी दिखाई है उन्हीं के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो ये देखो इंग्लिश में भी है पूरे, हालांकि मैंने ये पूरे 5 नहीं लिए हैं, ठीक है, ये सिर्फ हिंदी वाले लिए हैं। तो ये देखिए इसका भी डाइजेस्ट 5, मतलब वो लास्ट के 5 कॉमिक्स होंगी दिखाए, तो अनुपम जी ने बहुत अच्छे कवर बनाए थे, तो इसी वजह से दिखाया था ध्रुव का डाइजेस्ट 4, डाइजेस्ट 3 वही कॉमिक जो मैंने अभी सेट बनाए थे, बिल्कुल वही की बुक्स इनके अंदर है, डाइजेस्ट 2 और 2 और 1 का कवर लगभग आपको जैसे दिखेगा, थोड़ा बहुत ही ओल्ड फॉर्मेट से दिखेगा, और इसी का एक रिक्रिएशन अनुपम जी ने बनाया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ ओल्ड डाइजेस्ट है सिंपल पेपर में। तो ये देखो, ये जो आप अगर 1 और 2 को मैच करेंगे तो आपको इसी चीज़ का रिक्रिएशन दिखेगा अनुपम जी के द्वारा। तो कल ये अलग लोगों को पता है कि ध्रुव की कौन सी बिकती हैं, लोग लेते हैं, और ख़ुद संजय जी भी यही वाली बुक्स जब 60-60 की लाए थे मनोज जी, तो वो 100-100 के हिसाब से उन्होंने रखी थी प्राइस, अपना उनका बस उनका लोगो अलग था, और
क्योंकि हमको पता ही है कि ग्लोस में आती हैं, मनोज जी की थोड़ी सो मैटी फिनिश में आती थी, उन्होंने ग्लोस में निकाली थी ऐसी कॉमिक्स। तो खैर अब ये भी शो में हो गई, पर हाँ डेफिनेटली इनकी रीच ज़्यादा है मनोज गुप्ता जी वाली की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुझे ज़रूरत तो खैर नहीं थी, मेरे पास मनोज गुप्ता जी का एक सेट ऑलरेडी था, संजय जी का एक सेट ऑलरेडी था पेपर बैग का, फिर ध्रुवोदय का ये वाला कलेक्टर एडिशन है, ध्रुवोदय का हमने बस दो पढ़े हुए हैं, ये ऐसे डाइजेस्ट हैं रेयर जो ओल्ड वगैरह होते हैं, फिर ऐसे डाइजेस्ट हैं पूरा सेट है, बड़े वाले जो डाइजेस्ट हैं उनका पूरा सेट पड़ा हुआ है हिंदी वाला, फिर इंग्लिश वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे डाइजेस्ट का पूरा सेट। तो ये बुक्स कितने में रिपीट है मुझे खुद को भी याद नहीं होगा, हम अगर काउंट करें तो एक तो मनोज जी वाले डाइजेस्ट एक, संजय वाले डाइजेस्ट दो, संजय वाले बिग साइज के डाइजेस्ट तीन, तीन सेट हुए है ना, फिर तीन सेट के बाद में जो है अपना मनोज जी का एक सेट पूरा, फिर संजय जी का एक सेट पूरा पाँच, फिर ये ऐसे डाइजेस्ट छः, नहीं गलत कर रहा हूँ क्यों, मनोज जी की डाइजेस्ट, संजय जी डाइजेस्ट, संजय जी डाइजेस्ट चार पाँच, फिर पाँच मतलब ये पेपर बैग संजय जी के पेपर बैग मनोज जी पाँच छः सात आठ आठ, और इसके अलावा फिर और ना इस कॉमिक की बात हो तो इसके तो 10-12 वेरियंट मिल जाएंगे, मनीष गुप्ता जी ने बिग साइज लेके आए थे, और भी आपको अलग टाइप के इसके वेरियंट मिल जाएंगे ये, और प्लस इसके में भी फिर मैंने आपको बताया कि 70 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 60 रुपये वाला मैट फिनिश वाला, वो अलग अलग वेरियंट मिल जाते, तो काफ़ी है ये। पूरे सेट की बात करूँ तो आई थिंक मेरे पास 7-8 सेट हो जाएंगे, बट हाँ ये था कि जो सिर्फ एग्जैक्टली मैं मनोज गुप्ता जी की बात करूँ, ये जो रिप्रिंट है ये मेरे पास सिर्फ एक ही सेट था, तो अब इसके साथ मेरे साथ ये दो सेट हो गए, और दो सेट का रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्राइस मिल रही थी उससे मैंने सोचा एक दो सेट बनते हैं, बाद में मेरे को खुद के रीयूज़ के लिए या मेरे को मेरे जो ब्रदर्स वगैरह उनके लिए चाहिए होगा तो मैं मेरे काम आएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अंत तक बने रहिए, सभी को धन्यवाद करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।